हेलो स्टूडेंट्स, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगी, तो यानी एक तरह से नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। आप देखो यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिटिव आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी ओ डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में 2009 में आ चुका है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन पार्ट। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस फोर डी वाई डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स। इसको मैंने इक्वेशन वन लेट कर लिया। तो सबसे पहले आपका काम पता है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो जो डायरेटिव्स है, डबल ट्रिपल डायरेटिव है तो आप उसको डी क्यूब लिखेंगे, इट इज ठीक है, और डबल डायरेटिव है तो डी स्क्र, फोर सिंगल डायरेटिव है तो डी, और कोई डायरेटिव नहीं तो दैट्स फाइन, इज इक्वल टू ई पावर एक्स। यहाँ से आपने y कॉमन ले लिया, डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर माइनस फोर डी माइनस टू वाई इक्वल टू ई पावर एक्स। आपको पता है यही सेम तरीका करते हैं हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये लीनियर है, मैक्सिमम पावर वन है, देखो सबकी सब डेरेटिव्स की, और कोई भी दो डेरेटिव आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। ओके, तो ये आ गया। उसके बाद तो विच इज द रिक्वायर्ड सिम्बोलिक फॉर्म आपको बताया था। उसके बाद यहाँ से एफ डी निकालते हैं, डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर माइनस फोर डी माइनस टू, ये आपकी एफ डी है। उसके बाद आपको पता है एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहा हूँ जिसमें आपका सी एफ भी निकाल रहा हूँ, पी आई भी निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट फ्यूचर क्वेश्चन में मैं पी आई पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा, सी एफ पार्ट में सोल्व नहीं करूंगा, सो दैट हमें पी आई पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। तो प्लीज़ थोड़े ध्यान से सी एफ अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट कोई डाउट ना आए। मैं इसके बाद डायरेक्ट पी आई सोल्व करूंगा बाद में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ। तो आपको पता है एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ एम को जीरो पुट करते हैं, यहाँ एफ डी में एम पुट करेंगे तो एम क्यूब माइनस एम स्क्वेयर माइनस फोर एम माइनस टू इजक्वल टू जीरो। अब आपको पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को दो तरीके से सोल्व करते हैं, या तो वहां से पेयर बन जाए सो दैट जो कॉमन है वो सेम आए, एम स्क्वेयर कॉमन लोगे तो एम माइनस वन बचेंगे, बट अगर यहां से कॉमन लोगे तो एम माइनस वन नहीं बचेगा। तो या तो एक तरीका ये है पेयरिंग हो जाए, या दूसरा तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम यहाँ हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल में शायद आपको पता होगा कि हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज पुट करते हैं उस इक्वेशन में और चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। चेक करते हैं, एम वन पुट कीजिए, ठीक है, एम वन पुट कीजिए प्लीज। तो एम वन पुट करेंगे कितना आएगा, वन माइनस वन माइनस फोर माइनस टू, तो यह माइनस सिक्स जो जीरो नहीं है। तो आपकी राइट जो भी आपकी वैल्यू आए सोल्व करके वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड जीरो है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब आपका एम इज इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद एम इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं, पहले एम वन पुट किया फिर माइनस वन पुट करते हैं। एम की वैल्यू माइनस वन पुट करो, माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन माइनस टू, सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस वन प्लस फोर माइनस टू क्रॉस आउट करोगे तो ये जीरो आएगा। जीरो का मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आया, इसका मतलब एम इज इक्वल टू माइनस वन मेरी इक्वेशन थ्री को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यानी क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वन ऑफ द रूट है, क्योंकि हर इक्वेशन को सिर्फ उसका रूट ही सेटिस्फाई करता और कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका रूट है, साथ साथ उल्टा बोल सकते हैं अगर वो उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई भी पक्का करेगा। तो इक्वेशन थ्री का ये
को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका रूट होगा, और अगर ये इसका रूट होगा तो ये पक्का इक्वेशन थ्री को सेटिस्फाई करेगा। सो एम इज इक्वल टू माइनस वन इज वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन थ्री। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट है कितने इसके, एम क्यूब है तो तीन रूट है, मैक्सिमम पावर जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने रूट होते हैं, तो इसके तीन रूट हैं, बट आया कितना मेरे पास एक, तो सिर्फ एक रूट मिला अभी तक, तो बाकी दो रूट निकालने हैं। तो आपको पता है इसमें किसके लिए आपको इक्वेशन थ्री से ये जो एक रूट मिल गया इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए एक तरीका तो डिवीजन आपने किया होगा कि आप इसको बीच में रखेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इससे एम प्लस वन से, तो वहां से आपका जो कोशेंट बचेगा वो आपका नेक्स्ट दूसरा फैक्टर होगा। नहीं तो एक सिंथेटिक डिवीजन आती है बच्चों, सिंथेटिक डिवीजन थोड़ी सी आसान है, शॉर्टकट है, आंसर तो सेम ही आएगा डिवीजन का भी और सिंथेटिक डिवीजन का भी। कैसे, सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, यहाँ आपकी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, तो एम क्यूब का कोएफिशिएंट वन, एम स्क्वायर का माइनस वन, एम का माइनस फोर और कॉन्स्टेंट का माइनस टू। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ एम स्क्वायर टर्म नहीं आती तो यहाँ जीरो आता, तो जो अगर कोई टर्म मिस है बीच में डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में तो उसके नाम का जीरो लिखना है। उसके बाद जो भी आपका रूट मिला वो यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर आप इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस वन, और जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो करो ऑपरेट माइनस वन माइनस वन माइनस टू, फिर इसकी और इसकी प्रोडक्ट करो, तो जो भी यहाँ आएगा वो नेक्स्ट लोकेशन में लिखेंगे, तो अल्टीमेटली इन दोनों की प्रोडक्ट करके जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर नेक्स्ट दोनों की प्रोडक्ट करके जो भी आएगा वो नेक्स्ट लोकेशन पे लिखेंगे, ऐसे करेंगे। तो माइनस वन इंटू माइनस टू दैट इज टू, टू यहाँ लिखेंगे तो इट विल बी माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज टू, तो टू लिखेंगे तो माइनस टू प्लस टू दैट विल बी जीरो। तो अगर ये जीरो आए तो इसका मतलब करेक्ट है, करेक्ट का मतलब आपने रूट जो ऑप्ट किया था वो ठीक है, डबल क्रॉस चेक हो गया, तो ये जीरो ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंश, ये इक्वेशन किस पावर से स्टार्ट थी, एम क्यूब से, तो ये इक्वेशन कहां से स्टार्ट होगी, एम स्क्वायर से, ठीक है। तो एक रूट तो क्या बन गया इसका, इसको एक तरफ करो, तो मैं इसको इक्वेशन थ्री को दोबारा लिख रहा हूं, एक रूट तो आपका एम प्लस वन है ये रहा, और दूसरा रूट ये बचा, तो ये क्या है, एम क्यूब से स्टार्ट था तो ये एम स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस टू, दोबारा देख लीजिए, ये जो इनपुट इक्वेशन थी वो एम क्यूब से स्टार्ट थी, तो जो उसका डिवीजन के बाद एम से एम स्क्वायर से स्टार्ट हो गया, एक बार और डिवाइड कर देते एक पावर और कम हो जाती, तो एम क्यूब थी तो एक बार डिवाइड कर दिया एम स्क्वायर से, तो एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो दो फैक्टर बन गए, एक एम प्लस वन वो तो मैंने निकाला ही था, दूसरा जो यहां से आया, ओके, इसको सिंप्लीफाई किया माइनस वन आया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऑब्वियसली इसके फैक्टर नहीं बन सकते, प्रोडक्ट भी टू चाहिए, सम भी टू चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, वो अभी रूट्स का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, वो लगाया, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, वो आप कर सकते हैं, मैं पिछले दो क्वेश्चन में करा चुका हूँ सेम चीज, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो टू प्लस माइनस रूट ट्वेल्व बाय टू आया, रूट ट्वेल्व को आप अगर सोल्व करें, रूट ट्वेल्व का तो डायरेक्ट तो स्क्वेयर रूट नहीं होता, बट ट्वेल्व का जो है फोर इंटू थ्री, ट्वेल्व के दो फैक्टर है फोर इंटू थ्री, फोर का स्क्वेयर रूट टू आ गया, रूट थ्री अंदर ही पड़ा रहा, थ्री का कोई स्क्वेयर रूट नहीं होता, यानी पॉइंट्स में होता है, पूरा पूरा नहीं होता। इसको सिंप्लीफाई किया, वन प्लस माइनस रूट थ्री आ गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास तीन रूट आ चुके हैं, एक माइनस वन, एक वन प्लस माइनस रूट थ्री, कहीं आयोटा नहीं है तो तीनों रियल रूट है, तो एक रूट है माइनस वन, एक रूट है वन माइनस रूट थ्री, और एक रूट है वन प्लस रूट थ्री, तो तीन रियल रूट है, किसी में आयोटा नहीं है, और साथ साथ तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट हैं तो कैसे लिखते हैं, सी वन सी एफ कैसे लिखते हैं, सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई की पावर में सेकेंड रूट प्लस सी थ्री ई की पावर में थर्ड रूट, तो ये आपको पता ही है रियल और डिस्ट्रिक्ट में कैसे लिखते हैं। उसके बाद सी एफ खत्म हो चुका, नाउ द मेन टर्म इज, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूरा एक्सपेंड किया है, सी एफ इसका इसलिए निकाल के दिखाया क्योंकि इसकी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन थी थोड़ी सी मुश्किल थी, एफ डी थोड़ा सा मुश्किल था सोल्व करना, इसलिए मैंने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। जो फर्दर प्रॉब्लम आएंगी उनमें मैं सी एफ सोल्व नहीं करूंगा, तो प्लीज आप सी एफ पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए पिछले लेक्चर्स देख के, सो दैट आपको सी एफ में डाउट ना हो। कोई स्टिल कोई डाउट आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ पी आई पे मेन कंसंट्रेट करूंगा। तो पी आई क्या है, पी आई का फॉर्मूला आपको पता है, वन बाय एफ डी इंटू राइट हैंड साइड, तो एफ डी इज डी क्यू माइनस डी स्क्वेयर माइनस फोर डी माइनस टू ई की पावर एक्स, राइट हैंड साइड कितनी है ई की पावर एक्स,
पीआई की जुड़ती, राइट हैंड की जुड़ती कब पड़ेगी? पीआई में। अब यहाँ राइट हैंड जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो पीआई निकलेगा, तो मैंने बताया था जब भी राइट में ई की पावर ए एक्स आ जाए तो डी की जगह ए पुट करते हैं, तो यहाँ ई की पावर वन एक्स है तो डी की जगह क्या पुट करेंगे? वन। तो वन पुट करो, वन माइनस फोर माइनस टू, सिंपली करके माइनस सिक्स आएगा, तो माइनस वन बाय सिक्स ई की पावर एक्स। यहां एक कई बार क्या प्रॉब्लम आती है, नीचे नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाता है तो उसको केस ऑफ फेलियर बोलते हैं, तो फिलहाल वो क्वेश्चन टाइप हम आगे करेंगे, एक दो क्वेश्चन उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, तो अभी फिलहाल उसकी हेडक मत लीजिए। तो कई बार यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाता है तो उसको केस ऑफ फेलियर बोलते हैं, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे वो बाद में सीखेंगे, फिलहाल नहीं। तो अल्टीमेटली पी आई कितना बचा? माइनस वन बाय सिक्स ई की पावर एक्स। उसके बाद आपको पता ही है सी एफ निकल चुका है, पी आई निकल चुका है, तो अल्टीमेटली तो सॉल्यूशन ही लिखना है, तो बचा ही कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो मैं इसको रब करके लिख देता हूँ। सिंथेटिक डिवीजन मैंने पहले भी क्वेश्चन उसमें करा रखी है, तो आप भी देख सकते हैं आप, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, मैट्रिक्स में कराया था मेनली। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट बोल सकते हो, जनरल बोल सकते हो, सॉल्यूशन इज गिवन एज आपको पता है सी एफ सॉरी वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो वाई इज इक्वल टू सी एफ इज सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू और वन माइनस रूट थ्री एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर वन प्लस रूट थ्री एक्स प्लस माइनस वन बाय सिक्स ई की पावर एक्स, ये आपका पी आई है। तो सिंप्लीफाई करके, तो कुछ लंबा छोड़ा था नहीं इसमें, वो आपको जैसे मैंने वो सी एफ और पी आई निकल लिखा था उसके बाद आपको आ जाना चाहिए था, होपफुली आ भी गया होगा आपको समझ में। स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर लीजिए या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जो भी डाउट होगा। जब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें या किसी क्वेश्चन में कहीं कई बार हो जाता है छोटी मोटी मिस्टेक या कहीं मिस्टेक स्पॉट आपको लग रही है तो आप उसका टाइम जरूर लिख दें कि भी 9:37 पे ये मिस्टेक आपने की है, सो दैट मुझे इजिली स्पॉट आउट हो जाए। ओके, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने एक तरफ तरह की राइट एंड हेड कर चुके हैं, सिमिलर हमने बहुत तरह की राइट एंड हेड पढ़ी हैं, तो हम बहुत तरह की राइट एंड हेड आगे करेंगे। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल।